हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग दोस्त करने वाले हैं आपके बहुत ही ज़्यादा जानी पहचानी कैरेक्टर पायल जी। तो फिर आप देख सकते हैं इसके वीडियो के हम लोग मिस्टेक्स निकालने वाले हैं। तो फिर क्या है, आई लॉस्ट माई बोथ आईज बिकॉज ऑफ सौरभ जोशी। ये मैं खोल के तो नहीं दिखाऊंगी, काइज देखिए अगर इसकी आईज नहीं होएगी कि तो ये काइज पट्टी को लगाई है इसने, आईज में कुछ दर्द तो नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ आप महान क्यों बन रही हैं अपने, और अगर इसके पास आईज नहीं है, अंधा हो गई है, तो भाई इसने कैमरा कैसे सेट किया है? यस, ये प्लीज़ प्रूफ करिए हमें इसे। फिर कहें नहीं रहे इनके दादाजी कॉज ऑफ सौरभ जोशी। अरे ये तो ये सब क्यों बना रहे हो आप? भाई आप इतने बड़े हो गए हो, आपके दादाजी तो ये तो एक्सपायर होने को, ये तो जरूर ये कैसे मर जाएंगे दादाजी, जरूर हो गए नहीं आप इतने बड़े हो गए, ये आप इतने बड़े हो गए तो ऐसा तो होना ही है। हाँ वो तो जरूर उनका 100 ईयर्स में वो हो गए होंगे। फिर क्या है, सौरभ जोशी 91 ईयर्स में हो जाते हैं लोग डेड। फिर सौरभ जोशी ब्रोक माय हाउस। अरे पहले ये तो बताइए कि आपका घर बना किससे है, भूसे से स्टिक से? भाई तोड़ा कैसे? कोई तोड़ा कैसे है? और आपका घर भी देख कर आपने जरूर सिर्फ ईट का घर ही आपके पिछले वीडियो में नहीं, नहीं मेरे को लग रहा है ना कि ये किसी खंडर का वीडियो करा है और इनका घर दूसरी साइड किसी खंडर का वीडियो दिखा रही है। आप देख सकते हैं गाइस कि बिल्कुल भी घर टूटा नहीं है, है ये बताया तक नहीं है कि इनका घर शुरुआत में बना कैसे था, तो ये तो बताइए पहले, तभी तो हम लोग समझेंगे। वही तो कुछ आई एक्चुअली गॉट बैड। और ये देखो इंस्टाग्राम का फिल्टर, एक सेकेंड देख सकते हैं आप लोग गाइस की ये वीडियो में ये टकली है, लेकिन रियलिटी में ये टकली नहीं है, इनका ये स्नैपचैट का फिल्टर है। ये भाई इंस्टाग्राम के लोग लगाते हैं स्नैपचैट। फिर गाइस ये क्या लिखा है, प्लीज हेल्प लॉस्ट माय वन हैंड। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका एक हाथ नहीं है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊं कि इसका एक हाथ इसने कपड़े में फंसाया है और वो फिर इसे फोटोज क्रॉप कर दिया है। या फिर ऐसा कर सकते हैं अपने ये जो एक हाथ में डाल दिया है टी शर्ट और दूसरे हाथ की टी शर्ट के अंदर हाथ ऐसे डाल दिया है ना। गाइस आप इसे रियल मत समझिए कि प्रैंक करती है। देन हम लोग ने सौरभ जोशी का टैटू कर लिया, ये तो बहुत, अरे भाई ये सीधा लग रहा है, ये टैटू बनवाया। फिर कल मेरी बहन को सांप ने काट लिया, ये जरा सा भी नहीं लग रहा। अब ये पहले अपनी बहन, एक बात बताओ ये कहाँ से निकल रहा है? ये तो टट्टी से निकल रहा है, पॉटी से निकल रहा है तो सांप। देन उसके बाद हम सांप तक मर जाएगा। फिर कह रहा है नहीं बच पाई मेरी दादी, वही पहले जो दादाजी के साथ हुआ वही दादी जी के। और भाई ये एकदम सही है, अगर क्या अभी किसी के दादाजी जिंदा है क्या है? ये तो अपने आप मर जाते हैं उम्र के हिसाब से। फिर उसके बाद और कौन से वीडियोस हैं, क्या सौरभ जोशी सेड ऑन जिसमें मुझे कॉल करके गाली दी, ये अजीब से वर्ड्स बोलने की हिम्मत कैसे हुई? आप जरा ये वीडियो भी हम लोग देख लेते हैं। मैं आज फिर से बात करूंगी सौरभ जोशी के बारे में, अब मैं इनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाने वाली थी, लेकिन इन्होंने हरकत ही ऐसी करी है कि मुझे इनके बारे में बोलना पड़ रहा है। तो गाइस सबसे पहले क्या होता है कि सौरभ जोशी का मेरे पास कॉल आता है, उन्होंने मेरे पास ऑडियो कॉल करी, मेरा नंबर है उनके पास, तो उनका कॉल आया मेरे पास और कॉल करते ही उन्होंने मुझे हाय हेलो कुछ नहीं बोला, कुछ अच्छी बातें नहीं, डायरेक्ट कॉल करते ही वो मुझे अब्यूज करने लग गए, तरह तरीके की बातें बोलने लग गए, बहुत ही गंदे लेवल की बातें उन्होंने मुझे बोली। उनकी ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई कि कोई किसी यूट्यूबर से ऐसे कैसे बात कर सकता है, भले ही वो बड़े यूट्यूबर छोटी यूट्यूबर उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यार सबकी अपनी रिस्पेक्ट है, वो मेरे से इतनी बुरी तरह बात नहीं कर सकते। तो जैसे ही उन्होंने मेरे को सुनाया और गंदी गंदी बातें बोली, मैंने क्या किया, उनका कॉल काट दिया, मैंने उनसे कोई फालतू बात की नहीं, मैंने उनका कॉल काटा और उनके नंबर को मैंने ब्लॉक कर दिया। अब जब सौरभ जोशी को पता चला कि भाई पायल ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, तो इनकी ईगो और ज्यादा हर्ट हो गई कि मैं तो बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, मेरे को कोई कैसे ब्लॉक कर सकता है, मैं तो देखता हूँ। तो इनको और ज्यादा रुकिए, अगर ये चीज़ आपके साथ अगर हुई है तो आपने ये करते हुए क्यों नहीं दिखाया?
आपने ये क्यों नहीं दिखाया कि ये सौरभ जोशी मेरे साथ ये कर रहे हैं? और भाई इसने एक वीडियो बनाया है कि she lost her one eye because of सौरभ जोशी, but सीधा पता चला था उसने अपनी आईज पे पट्टी लगा ली, और इसी बात को कोई सबूत नहीं फालतू में बोले जा रही है, है ना? ट्रिगर्ड इंसान सौरभ जोशी, सारे चैनल्स को रोस्ट करनी है कि अम्मा जी हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग कोई और वीडियो सर्च करने वाले हैं इसका, और भी चीज़ें इसने लॉस्ट की है बिकॉज ऑफ सौरभ जोशी। पायल जोन का मैसेज ये सर्च कर रही हूँ, क्योंकि दूसरों के में वो चैनल में ही दिख जाता है, इसीलिए हम लोग ऐसे ही सर्च कर रहे हैं पायल जोन फायर हाउस। गाइस हम लोगों ने तो ये देखिए एम्पायर जोन में आग लग गई। मेरे को यार हंसना बंद नहीं हो रहा मेरा। तो गाइस बस इतना ही तक में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और मेरी बहन को भी कहने दो। और गाइस और अपना फेवरेट यूट्यूबर का नाम भी कमेंट करना। यस, तो आपके लिए बाय बाय।